आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम, बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो, हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। हे आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। अमर के मोबाइल पर रश्मि का फोन आया था। क्या? कानून तो मैं तोड़ नहीं सकता, लेकिन आपके बेटे के दिल को भी नहीं टूटने दूंगा। रश्मि का फोन और अब ये मंगलसूत्र, गुत्थियां उलझती ही जा रही हैं। हमने जो वीजा के लिए अप्लाई किया था वो मंजूर हो गया, और हम जल्द से जल्द न्यूजीलैंड चले जाएंगे। एक मिनट बेटे, पहले देवी माँ के आशीर्वाद ले लो। देखो ना निखिल, रश्मि और अमर की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। तुम ठीक कहती, किसी ने सही कहा है कि जोड़ियां भगवान बनाता है, जैसे कि हमारी तुम। अरे अरे नहीं 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 नहीं, अरे भाई सही है, आप भी तो बुजुर्ग हो। बेटे आज मैं इतना खुश हूं कि ये सिर्फ मिठाई से आज काम नहीं चलेगा। हाँ डॉक्टर, मैं आप सबको आज पार्टी देना चाहता हूँ। अब पार्टी कहाँ देनी है वो अमर तय करेगा। लेकिन पापा पार्टी। अरे अमर तू चिंता मत कर, मैं सब देख लूंगा। ओ भाई साहब चंद्रकांत जी, जो भी करना है जल्दी जल्दी करो, क्योंकि सबको पता है टाइम रुक सकता है, लेकिन टाइम के लिए पार्टियां कभी नहीं रुक सकता। हाँ सही कहा। चंद्रकांत जी थैंक्स फॉर दी ऑफर, पर मैं ये पार्टी अटेंड नहीं कर। अरे नहीं, वो मिस्टर शर्मा का ऑपरेशन करना है, तुम तो जानते ही हो, एक अर्जेंट ऑपरेशन, लेकिन ये पार्टी मुझ पर उधार है। अरे बिल्कुल, कभी भी जब भी आप फ्री हो। थैंक यू। अमर और अंकल एक साथ हैं, दोनों हॉस्पिटल में नहीं है, कहीं और गए हैं। इसका मतलब है कि रश्मि भी उनके साथ ही होगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं कि मामा जी भी कहां मर गए। कहीं नहीं मरे, लेकिन मर जाते हैं। मामा तंस की शोभन आज इतनी सी चालाकी नहीं दिखाई होती ना, तो आज गली में मेरे को देखकर सब बोलते होते हैं, राम राम सत्य है, मुर्दा बेटा मस्त है। लेकिन मामा जी हुआ क्या? लगा भी कर ले। क्या हुआ साहब? बहुत घुमाया मेरे को, अब निकालो 245 रुपया। क्या खासो 245 रुपया भाई? किराए का भाई। किराए का? हाँ। देख भाई मैं किराया देता नहीं हूँ, मैं किराया लेता हूँ, समझा? अच्छा तो एक बात मेरी भी सुन। हाथ नहीं लगाने का? हाँ बोलो क्या है। पहले तो मैं भिखारियों को सवारी बनाता नहीं हूँ, बनाता हूँ ना, तो किराया लेना जानता हूँ, समझे? ये पापड़ तोड़ पहलवान, अपने आप को देख, मेरे को देख, समझा? ने खाली ऐसा छिकूंगा ना तो आधा धरती में घुस जाएगा। अरे गेंडे पत्ती नहीं चल, पैसा निकल पैसा, वरना जमीन में धसे बेगर तू आधा रह जाएगा, समझा समझा? पैसा मत दे।
छोड़ता नहीं तो किसी दिन किसी के हाथ का मार खाएगा। मामा जी बंद कीजिए अपना ये ड्रामा। एक तो आपको एक काम दिया वो भी पूरा नहीं कर सके, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा है कि अमर ने आपको चकमा दिया कैसे। और अगर अमर ने आपको चकमा दिया तो इसका मतलब ये है कि उसने आपको देखा होगा। मामा जी आपने ऐसी बेवकूफी क्यों की? मेरे को कितना दर्द हो रहा है ये नहीं पूछ रही है। मामा जी आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने ऐसा क्यों किया? तू भी मधुड़ी एकदम कोड़ी आओ। रजनी ये क्या हुआ तुझे? दरअसल आंटी मामा जी सड़क के किनारे से चलकर आ रहे थे तो केले के छिलके पर इनका पांव पड़ गया और वो फिसलकर कुत्ते पे जा गिरे। उसी कुत्ते ने दौड़ा दौड़ा कर ये हाल बना दिया है। कहीं कुत्ते ने काटा तो नहीं, वरना पेट में इंजेक्शन लेना पड़ेगा। नहीं नहीं आंटी जी, मामा जी बहुत ही तेज भागते हैं, कुत्ते ने तो इन्हें छुआ तक नहीं। तो ठीक है, चल रज भाई मैं तुझे मरहम लगा देती हूँ, दर्द थोड़ा कम हो जाएगा, चल। अरे पर ये अंदर की चोट है, बाहर की दवा से ठीक होगा। चुप, चल तू, चल चल। हाँ चल चल चल। आखिर ये लोग गए कहाँ? ऐसा करो जिसको जो खाना है यहाँ की जो भी बेस्ट डिशेस है ना सब ले आओ। हाँ और आप भी अपनी ड्यूटी खत्म हो जाए बाद में जी भर के खा लेना हमारी ओर से, ठीक है? ओ भाई साहब इधर आना। हाँ और तुसी नहीं भाई साहब, वेटर भाई साहब तुसी तो मालिक हो। ओ भाई साहब होटल में स्पेशल क्या है? भाटी साहब यहाँ के रसगुल्ले बड़े स्पेशल हैं, वो जरूर ऑर्डर कीजिएगा। भाई साहब आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, रसगुल्ले लेके आना जा। रसगुल्ले से याद आया मुझे कि एक बार बंगाली क्लाइंट का मैंने केस जितवाया था, खुश होकर उसने घर पे पार्टी में बुलाया और खाने में क्या रसगुल्ला, दैट वाज रसगुल्ला पार्टी। बाय गॉड अगर ये रसगुल्ला उस रसगुल्ले से मैच खा गया तो मैं कार के लिए भी ले जाऊंगा जी। आई थिंक किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं पापा। अपने बाप से छुपाएगा? बेटे तू इस वक्त ये सोच रहा है ना कि इस वक्त यहां पर तुम्हारी मां भी होती तो कितना अच्छा होता। हेलो हेलो कुकी। अरे आप कहाँ हैं? जहाँ पर मुझे होना चाहिए। और मेरा बेटा कहाँ है? बस मेरे सामने ही बैठा है। ये क्या तमाशा है, आखिर तुम दोनों हो कहाँ? एक मिनट अपने बेटे से ही पूछ लो, लो बात करो। हाँ माँ। अमर तुम दोनों हो कहाँ? माँ वो ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का सेमिनार था आज और मुझे कैंसर जैसी बीमारी पर एक स्पीच देनी है, थोड़ा नर्वस था इसलिए पापा को साथ ले आया। माँ तुम्हारे आशीर्वाद के बिना हिम्मत नहीं हो रही स्टेज पर जाने की। भगवान तुम्हें कामयाबी दे बेटा। माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ, कामयाब तो हूँ गए। वो सुबह वाला आशीर्वाद दो ना वो जो तुमने पूजा रूम में दिया था। अच्छा अच्छा तो खुश रहे हो जाए और तेरा आंगन हमेशा खुश।
खुशियों से भरा रहे। अमर? हाँ माँ। अमर क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, मुझे जाना होगा, स्पीच का वक्त हो गया। देखो बेटा, तुम घर कब आ रहे हो? शाम तक आ जाएंगे माँ। बाय। सदा सुखी रहो। मुझे अधिक प्रसन्नता होती जब पति पत्नी एक साथ मंदिर आते हैं। अभी अभी मैंने एक शादी करवाई, बिल्कुल शंकर पार्वती की जोड़ी। मिली, तुम जानते हो मैं तुम्हें यहां मंदिर में क्यों लाई हूं? क्यों? तुम्हारी सफलता के लिए माता रानी से मन्नत मांगनी थी। मन्नत तो तुम अकेले में भी आकर मांग सकती थी। मांग सकती थी, मगर कहते हैं ना कि जिसके लिए मन्नत मांगो अगर वो साथ में हो तो मन्नत बहुत जल्द पूरी हो जाती है। माँ, आप तो अंतर्यामी हैं, मन की बात जान लेती हैं, तो फिर आप जानती होंगी कि मैं मिलन को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मिलन एक बहुत बड़ा एक्टर बने, उसके सारे सपने पूरे हों, उसे जल्द से जल्द उसकी मंजिल मिल जाए। बस इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देवी माँ, अंजू को हमेशा खुश रखिएगा, उसे किसी भी तरह की परेशानी ना आए, और इसके सिवाय आपसे क्या मांगू, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाटे साहब, अगर आपके पेट में थोड़ी सी जगह बाकी है तो रसमलाई ऑर्डर करो। नहीं भाई साहब, नाश्ते में मैं इन नहीं लेता हूँ, और वैसे भी ऑफिस में टिफिन मंगवाया है, लंच भी करना होते हैं। अमर, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, नहीं तो पापा मुझे ढूंढने लग जाएंगे, कहीं वो नीतू के घर पर फोन ना कर ले। तुम ठीक कहती हो। अरे रश्मि, तुम क्या ऐसे ही घर जाओगी? मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, किसी ने देख लिया तो? हाँ रश्मि, तुम्हें मंगलसूत्र उतार।
ठीक कहा तुमने। बेटे मेरे आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हर वक्त है। जिस बहू को दुल्हन की तरह सजाकर डोली में बिठाकर अपने घर ले जाना चाहिए, उसके बजाय मैं उसे अपने मायके भेजने के लिए बेबस हो गया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं पापा, अमर और मेरे प्यार को मायने देने में, हमारी जिंदगी को मायने देने में जो भूमिका आपने अदा की है वो पापा और ससुर से भी कहीं बढ़कर है। हम तो इस लायक भी नहीं कि आपका शुक्रिया अदा कर सके। अरे नहीं बेटे, मैंने ऐसा क्या किया है? हाँ, मैंने तो सिर्फ अपने बच्चों को उनकी खुशियां देने में मदद की है। अपना ख्याल रखना बेटे। रश्मि, तुम्हें डोली में बिठाकर अपने घर ले जाऊंगा, ये वादा है मेरा। बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें पा लिया अमर, अब मेरा इंतजार खत्म हो गया। और रही बात ससुराल जाने की, तो मैं जानती हूं कि तुम अपना ये वादा भी पूरा करोगे। सिंदूर, खाना लगा दूं? रेखा, कैसे खाऊं मैं? रश्मि कहां आई अभी तक? आप चिंता मत कीजिए, आ जाएगी वो। कैसे चिंता ना करूं मैं? तुमने वो नीतू का नंबर बताया था, क्या नंबर था वो? 28778 लगता है। आ गई, एक मिनट में देखती हूँ। तू आ गई? तेरे पापा कब से परेशान हो रहे हैं? क्या ये रश्मि, इतनी देर कहां लगा दी तुमने? एग्जीबिशन में देर हो गई होगी। हाँ तो उसका मोबाइल ऑफ क्यों था? पापा, वो मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो अंदर। रुक क्यों गई? आंटी आंटी आंटी, कमाल करती हैं आंटी आप। हमारे देश के कुछ संस्कार हैं, बेटा जब जंग जीत कर आता है तो माँ उसकी आरती उतारती है। मैं मानती हूँ कि हम बेटे नहीं बेटियां हैं, पर जंग तो हमने भी जीती है ना, आरती हमारी भी उतारी जानी चाहिए, है ना? जरा मैं भी तो सुनूं, कौन सी जंग जीत कर आई हो तुम लोग? हमारी एग्जीबिशन ग्रैंड सक्सेसफुल रही है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है रश्मि को। अगर ये मेरा साथ नहीं देती तो ये कभी नहीं हो पाता। आंटी, आप अभी तक यहीं खड़ी हैं, जाइए आरती लेकर आइए। अच्छा आरती। तू यहाँ पर कैसे आ गई? मैंने तुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आखिरी रसम तक साथ निभाऊंगी, ये आखिरी रसम की बारी है। ये बेटा, ये शगुन है, दही और गुड़।
रखी है। ये सब की क्या जरूरत है मम्मी? अरे क्या जरूरत है मतलब? चलो रश्मि इस रस्म को पूरा करो। दुनिया को देखो दुनिया सदा ही हंसी है। ओ